जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं नारायण राणे साहब, उनको जो जिस पद्धति से उनको अटक करने आया है, उनके ऊपर गुनाह दाखिल किया गया है, खाने की थाली हाथ में रहने के बावजूद पुलिस इतने फोर्सफुली अटक करने के लिए वहाँ पे आई थी, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि कुछ बहुत बड़ा गुनाह इनका पिछला कुछ होगा, उसके कारण ये उनको अटक करने के लिए आए। पर जब देखा वहाँ पर और जो पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली, तो पता लगा सिर्फ बोलने के कारण, सीएम साहब के विरोध में बोलने के कारण उनके ऊपर ये गुनाह चार्जेस लग रहे हैं और उनको अटक करने के लिए पुलिस वहाँ पे पहुँची है। अगर इसके ऊपर अगर अटक होती है और जेल में डालने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, तो मुझे लगता है फिर पिछले कितने सालों में जो सोनिया गांधी हैं, जिनके ऊपर शिवसेना के सीनियर लीडरों ने स्टेज पर भरे लोगों के बीच में, बहुत सारे लोगों के बीच में, लाखों लोगों के बीच में, जब उनके ऊपर नीचे के लेवल पे जब बातें करते हैं, तो उनके ऊपर भी क्या ये सरकार कार्रवाई करेगी, गुनाह दाखिल करेगी और उनको भी जेल में डालेगी? अभी ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एक सीनियर सिटीज़न पे जब लॉ हम बनाते हैं, केंद्र में जब लॉ बनता है कि सीनियर सिटीज़न को अगर कोई तकलीफ देता है तो उस पर चार्जेस लगने चाहिए, अगर सीनियर सिटीज़न और कैबिनेट मंत्री और एक सीएम ऑफ महाराष्ट्र पे ऐसी अगर कार्रवाई करते हैं और ऐसा बिहेवियर उनके साथ होता है जब वो खाना हाथ में लेकर बैठे हुए हैं, तो आम जनता महाराष्ट्र में जो रहती है उन पर किस तरीके की राजनीति षड्यंत्र हमारे महाराष्ट्र में चल रहा है, ये पूरी तरीके से पिक्चर सब पूरे देश में सभी लोगों ने देखा है। तो मुझे लगता है ये श्रूर राजनीति उद्धव ठाकरे ने छोड़नी चाहिए, जो घर पे बैठकर ऐसी तरीके की राजनीति कर रहे हैं कि अगर कोई बोला भी तो उन्हें सीधे उठा के जेल में डालना है। तो जिन्होंने सोनिया गांधी पर भी बोला है, एज ए फीमेल पे बोला है, महिलाओं पे कितना अत्याचार महाराष्ट्र में हो रहा है, तो उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। पर अगर कोई पॉलिटिकल राजनीति व्यक्ति कोई कुछ किसी पे बोलता है, तो उसे उस पे गुनाह दाखिल होते हैं, उन्हें जेल में डालने की धमकी दी जाती है। ये पूरा राजकारण हमारे महाराष्ट्र में चल रहा है, तो मुझे लगता है बहुत गलत तरीके से राजकारण का इस्तेमाल हमारे महाराष्ट्र में किया जा रहा है।